नमस्कार YouTube family, this is Devi. Today we are going to learn अरे रे अरे ये क्या हुआ मनना ये जाना। तो हम करने वाले छोटी सी ट्यून फॉर बेसिक बच्चे एंड एडवांस बच्चे, जिनके लिए मैंने ना सिंगल स्ट्रिंग पे प्ले कराया और दो स्ट्रिंग पे प्ले कराया। तो जो भी अच्छा लगे आप उस पर प्ले करना सीखना और उसको सिखाना भी और सुनाना भी। तो गाइज, और बहुत ही ईजी ट्यूटोरियल है, तो आई होप तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बिंदास हो गया आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना गाइस, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए, और प्लीज़ मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो, शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो माय वीडियो को, एंड देखते हैं इसका ट्यूटोरियल गाइस। थैंक यू। आइए गाइस, सबसे पहले सिंगल स्ट्रिंग के नोटेशन देखते हैं कि कैसे प्ले कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसमें ना काउंटिंग बोलूँगा, हो सकता है मैं स्ट्रिंग का नाम ना बोलूँ तो आप कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हमने सिर्फ सिंगल स्ट्रिंग यानी कि ई स्ट्रिंग में प्ले कर रहे हैं सब कुछ गाइस, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होने का है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले लाइन करते हैं। मैं पहले नॉर्मल प्ले कर रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको स्टेप बताऊँगा। इतना देखते हैं, सबसे पहले आपने करना है ई1, ई3, ई4, फिर वापस ई1, इसके बाद आपने जाना है E8, E6, E4, देन E3। एक बार इसको रिदम प्ले करते हैं, मैं स्लो मोशन में प्ले करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके दूसरे लाइन देखते हैं। याद है, देखते हैं, ठीक है। वो सेम E1, E3, E4, E1, अब E9, then E8, ठीक है। then इसके बाद वो सेम, एक बार इसको देखते हैं, वो सेम E1, E3, E4, E1, then वो सेम E8, E6, E4, E3। गाइस पहली लाइन और तीसरी लाइन डिटो कॉपी थी, ठीक है। जैसा भी मैंने प्ले करी ना, वो लाइन और पहली लाइन डिटो कॉपी है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप देखते हैं इसकी चौथी लाइन, ये कैसे। अब आपने E3, E4, E6, देन E3 वापस, देन E4, देन वापस E3, देन E1, यानी कि। अच्छा दोस्तों, अब तक जो हमने सीखा ना, मैं उसके बाद प्ले कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना और फिर आप भी प्ले करना, और ना जब तक प्ले करना तो वो क्लियर ना हो जाए ना। तो एक बार करते हैं, इसके बाद मैंने एक छोटी सी ट्यून और प्ले करी थी, हालांकि वो गाना दो से था बट वो अच्छी लग रही थी, तो मैं उसका भी स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको भी कर लेना, छोटी सी है। तो मैं एक बार नॉर्मल प्ले कर रहा हूँ, तो इसको कैसे प्ले करनी है। अब इसको प्ले करनी है, आपने करना है E4, देन E3, देन B4, वापिस E3, देन E11, ठीक है, यानी कि ठीक है गाइस। तो जब इसको तुम दोनों को पूरा मिला दोगे ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो मैंने एक छोटी सी ट्यून निकाली, मतलब बनाई है, जो ऑलमोस्ट सब कर सकते हैं इसको। देखो अब दो स्ट्रिंग पर ये वाली ट्यून कैसे प्ले करनी है, मैं वो सिखाने वाला हूँ, तो वो देखते हैं।
अच्छा, मैं सबसे पहले नॉर्म प्ले करूंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या प्ले करना है। ये जो हम गाने स्टार्ट कर रहे हैं ना, यानी ये जो ट्यून स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं B6 से, ठीक है। तो देखते हैं पहले इसको, पर इतना देखते हैं ना। मैंने क्या B6, B8, B9, वापिस B6, देन इसके बाद मैंने क्या नीचे E8, E6, देन इसके बाद B9, देन B8, इसको मिला देते हैं एक बार। अब इसकी दूसरी लाइन देखते हैं, ऑलमोस्ट सेम है, शुरुआत का तो पूरा सेम है। हमने क्या B6, B8, B9, देन B6, देन E9, देन E8, ठीक है। अब गाइस जो पहली लाइन प्ले करते ना, वही कॉपी करनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। मैं सिर्फ प्ले कर रहा हूँ, देन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ पहली लाइन कॉपी करनी है अब तीसरी लाइन में, ठीक है। यानी कि पहली लाइन और तीसरी लाइन डिटो कॉपी है। देखो डिट्टो कॉपी दी है, अब इसके आगे देखते हैं। बन जाए अफसाना, तो ये कैसे है? अब इसमें क्या करना है, आपने करना है B8, B9, देन E6, देन वापस B8, देन B9, देन B8, देन B6। जब इसको मिला दोगे तो कैसी ट्यून आएगी? अब मैं शुरू से लेके एंड तक यहाँ पर मिला, ये जो भी तुम सीखी ट्यून इतनी प्ले कर रहा हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन होगी ना तो मुझे ही पता चल जाएगा और मैं वो ठीक तो भी कर लूँगा। और आप एक बार सुन लेना उसको, धन उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करना, धन इसको क्लियर कर लेना बॉस, ठीक है। अच्छा, इसका भी लास्ट का वाला पार्ट देख लेते हैं जो मैंने प्ले किया था और सीख लेते हैं इसको भी। सिंपल सा मैं बार नॉर्म प्ले कर रहा हूँ। देखो इसमें करना क्या है, आपने प्ले करना है B9, B8, देन G8, देन वापिस B8, अब B6 दो बार, यानी कि जो लास्ट का जो प्रोग्राम है स्लो मोशन प्ले करना है आपने। ठीक है, और दो बार प्ले करना और भी अच्छा लगेगा गाइस। गाइस एक छोटा सरप्राइज हो रहा है, ठीक है। जो अभी हमने यहाँ पे दो स्टेप जो प्ले करी ना ट्यून, जहाँ से जो स्टेप भी हमने यूज करे, वही सेम टू सेम स्टेप आपने ना D3, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करना है और वही जो प्ले करे आपने यहाँ पे, बस वही यहाँ पे कॉपी करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से मेलोडी वो सेम टू सेम प्ले होगी, वही लीडिंग प्ले होगी सेम टू सेम, ठीक है। तो मैं कहा मैं करके दिखा रहा हूँ अभी, फिर सेम टू सेम यही करना, ठीक है। प्ले करनी है तो उसके लिए करना है, हमने सिंगल स्ट्रिंग में जो प्ले किया था ना, जो यहां से हमने प्ले किया था हाँ प्यार कर, वही सेम कॉपी करना है। ये जो हमने प्ले किया था ना, अब सिर्फ यहाँ के सेम टू सेम स्टेप आपने यहाँ पे कॉपी करना है। ये स्टार्ट हो जाएगा D6 से, ठीक है। D6 से स्टार्ट होगा, मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ, बस कॉपी करना है और कुछ नहीं करना गाइस। तीनों सेम ही है, बट साउंड का थोड़ा फर्क होगा, ठीक है। ये थोड़ी मोटी आवाज में आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बेस स्ट्रिंग भी यूज हो रही है ना गाइस। तो इसलिए अब तुम्हें जहां से अच्छा लगे तो वहां से प्ले कर सकते हो, या फिर तीनों जगह से प्ले कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा ट्यूटोरियल खत्म हुआ। आई होप सो कि आपको स्टेप अच्छे समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। बट फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो जाए ना,
तो बिंदास कमेंट आप पूछ लेना यार, है ना, छोटी मोटी गलती तो हो जाती है। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहो आप, प्लीज़ मेरी वीडियोस थोड़ा शेयर भी करो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो कमेंट लाइक जो भी आप कर सकते हो वो करो, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं फिर न्यू ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर और खुश रहें और ठीक रहें, प्रैक्टिस करते रहें गाइज।